शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 राज्यों के संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित होने के दौरान क्या वो विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं, इस पर सुनवाई की जरूरत है। इसलिए इस मुद्दे पर संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के लिए डिप्टी स्पीकर की शक्ति पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है, जब उसके खिलाफ ही कार्यवाही शुरू की गई हो। ऐसे में नबाम राबिया के फैसले में अंतर को सुधारने की जरूरत है। एक संवैधानिक पीठ ही इस तरह के निर्वाद को देखती है। 5 जजों की एक बेंच स्पीकर को हटाने के नोटिस के मुद्दे के साथ इस मसले पर गौर करेगी। 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव है? 10वीं अनुसूची के साथ परस्पर क्रिया का क्या दायरा है? स्पीकर की शक्तियों का क्या दायरा है? पार्टी में दरार होने पर ECI की शक्ति का क्या दायरा है? इन सभी सवालों का फैसला बड़ी बेंच करेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और अब इस मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ करेगी, और क्या कुछ जानकारी है? सियासत में 2 बड़े अहम फैसले आने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पहला मामला है 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर, और दूसरा मामला है जो 1 लाख सिंधे गुट की तरफ से दिया गया है, वह है कि शिवसेना असली उनके पास है, लिहाजन शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बार वो उन्हें दे दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में फैसला नहीं लेने का बात कही है। तब तक फैसला नहीं लिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें रख नहीं लेती। फिलहाल आज जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया संवैधानिक पीठ वो इस पूरे मामले में सुनवाई करनी है, लिहाजन क्रमबद्ध तरीके से पूरे मामले को सुनवाई की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आज यह माना जाए कि जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ का बेंच बनाया गया है वह जो है इस पूरे मामले में आज सुनवाई करेगी और बाद में इस पर फैसला किया जाएगा, और यह फैसला चुनाव आयोग के सामने किया जाएगा। और चुनाव आयोग से यह भी कहा गया है कि आप इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, यानी कि पूरा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। जी सत्यप्रकाश, पलड़ा किसका ज्यादा भारी इस समय दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से 1 लाख सिंधे का दल यह कह रहा है कि 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक उनके पास है, लिहाजन असली शिवसेना उनके पास है, लेकिन इस पूरे मामले में जो शिवसेना का कहना है, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका कहना है कि 1 लाख सिंधे गुट में सबसे ज्यादा विधायक गए हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो विधि मंडल के तमाम लोग हैं वह लोग नहीं गए हैं। ऐसे में असली शिवसेना उनके पास है और ये बाला साहब की शिवसेना है, पुरानी शिवसेना है। तो ऐसे में 1 लाख सिंधे जो दलीलें दे रहा है कि असली शिवसेना उनके पास है वह गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह उद्धव गुट को मंजूर रहेगा, यानी कि उद्धव गुट यह मानता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वह फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में होगा। जी सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।